आज हम मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करेंगे विश्व की जनसंख्या के वितरण के बारे में। जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो सबसे पहले हम आपको जनसंख्या से तात्पर्य क्या है। तो जनसंख्या से तात्पर्य किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये क्या कहलाता है हमारा जनसंख्या। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है जनसंख्या का वितरण। देखें जनसंख्या का वितरण सर्वत्र देखें हम असमान मिलता है, कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं मध्यम है, अलग अलग इनके अलग अलग तरीके प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत देखें हम कि मानव उस दिए गए क्षेत्र के अंदर को प्रदर्शित करता है। मानव एक संसाधन के रूप में है, मानव एक संसाधन के रूप में है। क्यों है कि मानव संसाधन के रूप में इसलिए है क्योंकि मानव भूगोल के अंदर मानव का जो स्थान है वो केंद्रीय बताया गया है। क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। इसके अलावा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंधन और सांस्कृतिक विकास करता है। इसलिए मानव को एक संसाधन रूप दिया गया है। जनसंख्या का जमा का जो वितरण है असमान है और इसका जो प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर इसके घनत्व को मापा गया। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या, इसको प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, वितरण देखें, जो वितरण है असमान मिलता है। संसार के अंदर जो जनसंख्या है इसका वितरण देखें असमान मिलता है। अब कैसे मिलता है, तो विश्व के अंदर हम देखें 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पे निवास करती है और 20% जनसंख्या 80% भूभाग के ऊपर निवास करती है। अलग अलग देख रहे हैं आप आंकड़ा। इसी तरह से सन 2013 के अंदर जो जनसंख्या थी 714 करोड़ थी, जो पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर असमान रूप के अंदर व्यक्त किया गया। संसार के अंदर हम देखें 85% जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर निवास करती है और 15% जो जनसंख्या मात्र दक्षिण गोलार्ध के अंदर निवास करती है। इस तरह से संसार के अंदर हम देखें एशिया और यूरोप ऐसे भूभाग हैं जहां पर सर्वत्र जनसंख्या पाई जाती है। एशिया के अंदर हम देखें 60% ऑशनिया महाद्वीप के अंदर देखें केवल 0.5% और विश्व जनसंख्या में अपना स्थान रखता है। इस तरह से संसार के अंदर 80% जनसंख्या 20-60% उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलती है और इसी तरह से 75% भूभाग महाद्वीपों के किनारे बसा हुआ है। विश्व के अंदर 80% जो जनसंख्या है सागर तट पर है और 500 मीटर की ऊंचाई पर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। तो इस तरह से हम